it is not good for, can become damaged, no? For dog. कृष्णा बोली इधर बोली पटी खोल जो कथा कह जो माने भगवान के श्रुति माने स्तुति कर बुझल श्लोक सर जाइए ना कृष्ण श्लोक स्थिरचर जातयः सिरजयोख निमितजुज विहर उदीक्षया यदि परस्य बिजु विमुक्त ततः नहि परमस्य कश्चित् परो न परस्य भवे वियत इवा पदस्य तब शून्यतुलां ददतः हे विमुक्त नित्य माया कार्य संग रहितं तत्र च भगवान उसे नित्य मुक्त से माने माया संग रहित मायार संग नहीं भगवान पाखरे कोला मुक्त जीव अभ्यपि वैलक्षण सचित सत्य नित्य सर्वे अश्चर्यत्वात् सब ऐश्वर्य पाखे सूचित हेले से मुक्त यदि ततः परस्य अजया दूरे वर्तमान संगस्य तब अजय माया सह उदीक्षया इक्षण लेशेन विरह विहार क्रीड़ा भवति तदा भगवान इक्षण करके क्रीड़ा कर जगत रे बहिरंग जगत उसे चाहिले चाहिए मतलब जगत सृष्टि तापर जगत रे से लीला विलास कर आसिक उत्थ निमित्त युक्त इक्ष उत्थितानि आविर्भूतानि निमितानि कर्माणि तदयुक्तानि लिंग शरीराणि वा तैर्युज्यंत इति तथा तांकर इक्षण फल जगत जिते सब शरीर तैयारी होती लिंग शरीर जोटा कि कर्माणी सब विभिन्न प्रकार कर्म करने सब जीव मान तैयारी होती स्थिर चर जाते स्थिरश्च चराश्च जाते जात्यलिंगिता देह जैसं तेजी वहा सी प्रकार जीव माने आकाश सदृशस्य समस्यति अर्थ शून्य तुल्यं दधत शून्यस्य आकाशस्य तुल्यं उपमा दधत
अपदस्य आकाश व निर्मल पतित्वयो मान्यस्पदस्य तव कश्चित कोपि अपरस्थियो परंच न भवेति नैव। कहले हे नित्य मुक्त माया संग रहित आपणकर ईक्षण लेस मात्र द्वारा जितेबाला मायार सहित आपण को क्रीड़ा होता है से कर्मरूप निमित्त हेतु सहित चराचरात्मक जीव समर आविर्भाव हुए। आपण परम कारुणिक आकाश तुल्य सर्वत्र समभाव अवस्थित बोली आकाश उपम एवं तत्तुल्य निर्लेप बोली वैषम्यर अन्यस्पद अतएव आपणकर आत्मीय पर कहीं ना। श्रुति माने भगवान को महिमा वर्णना करछन्ति एते संपन्त तांगर भक्तिर भक्ति परक व्याख्या करथले वर्तमान कहउछन्ति हे प्रभु आपण माया संग रहित बद्ध जीव आमे माया द्वारा मोहित आमे भगवान मायाधीश कहगला माया सहित तांगर कौनसी संस्पर्श नाही से पूरा नित्य मुक्त केवल भगवान ईक्षण करती बहि प्रकृति को ए बाहर जगत को ईक्षण द्वारा जितने से माया सहित तो क्रीड़ा करते कौन हाँ ये खेल कहगला बहिरंगा प्रकृति प्रति से जो दृष्टिपात करती भगवान कारण जो शयन करते महाविष्णु स्वरूप जाओ कहला सी जो जड़ा प्रकृति दृष्टिपात करती से जगत सजीव मान सृष्टि हो चराचरात्मक जीव सब सृष्टि आविर्भाव हो कर्म रूप निमित्त हेतु सहित चराचरात्मक जीव समूह ये जीव मान तैयारी जन्म आविर्भाव हुए मैंने कौन पाई कर्म करने कर्म रूप निमित्त कर्मभूमि ये कर्म करने समस्त सृष्टि हो जीव समूह किंतु प्रभु आपण परम कारण आकाश तुल्य आकाश जिंदी सर्वत्र समभाव आकाश सबुटे देख आकाश थी समभाव समान भाव भगवान भी आपण सर्वत्र समभाव व्यापक सर्वव्यापक तो रही आप सर्वत्र समभाव किंतु आकाश कौथे निर्लेप कौथे मिशे निशे भगवान से प्रकार एथपे आपण आत्मीय पर कहने भगवान के पर ना कई निजर ना कह आपण ईक्षण जगत सृष्टि हो सब जीव मान सृष्टि होती कर्ममुखर होती आकाश जिंदी सर्वत्र व्याप्त आपण भी सर्वत्र विद्यमान किंतु का सहित आप संबंध ना का सहित संपर्क ना पर कहीं ना कि आत्मीय कहीं ना कि पर कहीं नहीं आत्मीय भी कहीं नुहत पर भी कहीं नुहत भक्ति विचार जब कर भक्त मान से निजर बिल कही ज्ञान मार्ग भगवान स्वरूप विषय कह परमेश्वर उपास्य तो हेले स्वतंत्र ऐश्चर्य कारण है यह बोली पूर्व श्लोक कही भगवान होती स्वतंत्र स्वतंत्र है अस्वतंत्र अनिश्वर जीव मान द्वारा सी उपास्य हो पूजा पाँच सेव्य हो कथा प्रश्न कराला सी से कथा खंडन करते कौन परमेश्वर उपास्यत्व हेले जब परमेश्वर को उपासना करा से सेव्य हेले कारण हूँ ऐश्वर्य कारण हूँ स्वातंत्र जीवगणर परमेश्वर उपासकत्व जीव मैंने उपासक उपास्य जहाँ को पूजा करा जियो उपासना करा जियो उपासक जी उपासना करे
जहाँ को उपासना करा जाए सेल उपास्य जहाँ को पूजा करा हो कृष्ण होते उपास्य तत्व भक्तान होते उपासक भक्त भगवान को भीतर संबंध होची सेवा भक्ति उपासना से जीव मान होती उपासक परमेश्वर ताले उत्पन्न हेतु भगवत परतंत्र तो अनिश्चर्यत कारण बोलते हैं हे विमुक्त उत्पन्न हेतु भगवत परतंत्र तो किंतु जीव माने परमेश्वर उपासक हेले मध्य स्वतंत्रता नाई ये अनैश्वर्य ईश्वर नाते अनिश्वर माने जदि आपणकर मायार सहित उत्पन्न बोली ईक्षण द्वारा कदाचित मायार सहित क्रीड़ा हुए से स्थावर संगम जातीय देह समूह स्थावर जंगम देह समूह जो जहाँ कर से जीवगण सृष्टि हुए आपण जो माया सहित उत्पन्न मायार सहित उत्पन्न बोली ईक्षण द्वारा दृष्टिपात जो करती जिते माया सहित क्रीड़ा करती से जगत सुसृष्टि हुए जीव मानक देह सुसृष्टि कहला जीव कमि सृष्टि कहले अजात परमेश्वर दूरे बर्तन असंग अपना आपण सृष्टि कि आपण सहित कौन सी आप सहित संग नुहती से कार सहित तो मिशंती भगवान तक पाखर जगत सृष्ट कि जगत सहित संबंध किसी ना जदि बोल आमाते लीन जीवगण पुनर जन्म की रूप हुए प्रश्न जी कर मो पाख आम पाख तो लीन हेले ताले पुनर्बार जन्म केमती है से कहते आपणकर ईक्षण प्रवाह जीवर उत्पत्तिर कर्म समूह जगिया उठे महाप्रलय जो सब लीन हो जाए पूर्व भी कही आते भगवान जो एक अनेक इच्छा करती सृष्टि करने इच्छा करती समस्त जीव आदि उठी उठती पूरा उत्पत्ति हूँ तर कर्म समूह भी जागृत हो जाए तापर कर्म समूह युक्त हो जीवर लिंग शरीर समूह ताहर सहित युक्त हुए तार कर्म जिते सब कर्म तापर लिंग शरीर माने जोड़े कि जातना शरीर व सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार यह सब लिंग शरीर सुख दुख जी भोग करे से लिंग शरीर सहित कहीं ना लिंग शरीर नष्ट ही ना तूल शरीर नष्ट गोटे मनीष सहित मरीज पोड़ी दवा पोति दवा फपाड़ दवा से नष्ट स्थूल शरीर नष्ट हो जाए लिंग शरीर जो बासना शरीर नष्ट ही ना बासना शरीर कारण आत्मा सहित से उड़ी जाए थे आउटे तार कर्म अनुसार फल अनुसार गोटे शरीर शरीर भर से प्रवेश कै गोटे माँ गर्भर प्रवेश कै मातृगर्भर प्रवेश कर सीट गोटे जन्म हे तार पूर्व पूर्व जन्म कर्म अनुसार मनीष हो पारे स्त्री हो पारे पुरुष हो पारे कुकुर हो पारे बिलाड़ी हो पारे बासना अनुजाई शरीर धारण कर सहित लिंग शरीर युक्त होता है से लिंग शरीर है कामना बासना शरीर से बासनाटा थाए पूर्व पूर्व जन्मर बासना अनुजाई गोटे शरीर मिली पूर्व पूर्व जन्मर संस्कार बासना अनुजाई जन कर्ममुख रोच जगत में ये जन्मर जन जन देखा जाए से मैंने आध्यात्मिकवादी हमें आ जन्मर जन जन आश्रिक प्रवृत्ति संपन्न हमें पूर्व जन्मर स्वभाव से जन्मर जन पूरा आमिषी हमें जन्मर जन आमिष कहे थू थू करती जान ना कौन आमिष कि दे थू थू कर बांति जाए संस्कार से स्वभाव से प्रकार सुकृति से मानकर लिंग शरीर से नष्ट ही नाए जो लिंग शरीर नष्ट से भगवान भगवधाम को जाए जीव तार जो नर्क भोगत नर्क जन्म हे नर्क जनि प्राप्त हे से गोटे जन्म आगे ना भगवान पद जाऊन कौट से प्रलय पर सृष्टि करे बहुत कल्प पर महाप्रलय जो हो प्रथम सृष्टि
महाप्रभु हेले जो एक क्षण कले गर्भधान होती जो से कारण जल रे शयन करिए तापरे धीरे धीरे सब पंचतत्व अहंकार तैयारी हो महतत्व तैयारी हो पंच महाभूत तैयारी हो त्रिगुण तैयारी हो यु फेंटा फेंटी गुटे प्रकृति जमी सब या प्रिपेरेसन होमानिया सब कराई तरकारी कर सब जहाँ प्रिपेरेसन हो गोटे प्रकृति कि जीव सृष्टि हो नथिबो भगवान ईक्षण करिए भितर सब क्षय जीव मान सृष्टि हमें सब केमती सृष्टि हमें निज पूर्वपुर कर्म अनुसार से गोटे मरीगले आमर नष्ट ना प्रलय भितर लीन हेले भी आम सत्ता नष्ट न थाए आम आमर जमी चिप्स भितर जो आम रखुचे सब डाटा रखुचे जो प्रकार से जेब पकल से बाहर से डाटाटा से प्रकार तार समस्त कर्मर फल को फिक्स फिट होता है सीक्ष्म शरीर सहित ये शरीर टाइम गोटा कारण शरीर सी जा लीन हो तुलसी तो नष्ट जो से इच्छा कर सृष्टि करने से बाहरी आसमें कह ईक्षण कले कर्म सम सृष्टि हे से युक्त हे लिंग शरीर युक्त हे तापर से कहला जीव से आसी पूर्व कल्पे प्रलय पूर्व ये सी जो जो कर्म करा से कर्म सृष्टि से कर्म कर सेटा रही पेंडिंग रही थी सीटा हाँ सब सब तो पल जी जो कर्म अंश धरिकी जी बर्तमान पल एम जन्म हे जन्म हो ना 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 यहाँ कर्म अनुसार कर्म अनुसार मातृकक्ष प्रवेश करेंगे मैंने सागे सागे जार जो नर्क जन्म थे नर्क जन्म हे जार अपमृत्यु होती है से प्रेत जनि प्राय प्राप्त हे ना जाऊ कुखी जन्म ये सागे सागे जन्म जाते से जन्म जन्म ये जन्म ये भगवान ईक्षण दरकार ईक्षण थे कर प्रलय पर द्वितीय ईक्षण करें ईक्षण तो सरी जा बर्तमान घूरी आम कर्म अनुसार से मिले आम इह लोक जो जो कर्म करम अनुसार आम गोटे संस्कार तैयारी हुए कर्म अनुजाई से संस्कार है कार खराब कार भल हो पाए से संस्कार अनुजाई तार बासना कामना सेम थी से अनुसार गोटे शरीर प्राप्त हो सी ए बुद्धि विचारी कार्य कले प्रमाद न पड़े भले जो मैंने आखि बिरेड़े आखि बंद कर दुग्धपान करने सदृश सबू अपकृति करय कर धर्म को आखि ठार मार इंद्रिय सुख में प्रमोद से माने तलू तलू जा बुझी पार ना दुर्लभ मनुष्य जन्म क्रियाटा कौन ये सत्संग आवश्यकता रही है भजन कीर्तन आवश्यकता रही कले परवर्ती जन्म ठीक जन्म दे ठाकुर जी कौन सी भगवत साक्षात्कार हो गला जन्म सरीगला दुखर नाश हो गला भगवत प्रेम साक्षात दर्शन सी तो भगवधाम पड़ा प्रलय कहे प्रलय प्रलयटा ये भौतिक जगत पाए ना से भौतिक जगत आर पारि पड़ा जो निर्गुण क्रिया करती भजन कीर्तन सब निर्गुण क्रिया सत्संग करे आम हरिनाम नहींचे प्रामाणिक पथर अच्छे सब निर्गुण क्रिया ये गुणा गुण सतरज तुम क्रिया नुए सब तेणु निर्गुण क्रिया को जो मैंने बेसी जाजन करण जार परिष्कार जो मान संबंध ज्ञान आसी जाइए से मानकर मृत्यु पर जन्म ना जदि जन्म भक्त घर जन्म हे भजन करने ना भगवान भगवान धाम को जी से वैष्णव गति से संसार आसो कहीं ये कष्ट पड़ो कहीं लोक मैंने बुझुना जो लिंग शरीर कर्म सहित संयुक्त होती सब तहार एरूप कार्य उपाधि जीवगण लय हेतु जीवर लय आर ए उपाधि जन्म हेतु जीवगण जन्म यही व्यवहार हुए देखा जाऊँ जीव लय जीव जन्म होला जीव जन्म आत्मार कौन जन्म नहीं आत्मार मृत्यु ना जीवात्मार कि जन्म हो गोटे जीव जन्म होगा कौचे मरीगला जीवटा मरीगला कौचे बास्तव आत्मा मर नहीं जीव बासना अनुसार कर्म जड़े जड़े शरीर प्राप्त होती नुआ शरीर मिल्च पुणा शरीर जाऊँगी ये शरीर खोलटा ही परिवर्तन होमें कहे जन्म मृत्यु
यही रूप से कर्मर नियमोत्त लक्षण अनैश्वर्यत बोला है। यही प्रकार जो कर्मटा अनैश्वर्य ईश्वर न दिक कर्म ईश्वर न अनैश्वर्य ये नियमोत्त लक्षण ये नियम भितर बंधा परतंत्र ये कर्मर कर्मचक्र जो मैंने घूरती ना कर्म कर्मणा गहन गति कहले पूरा आत्मदेव को सन्यासी कहते कर्म गहन गति कर्मचक्र कहीं पड़ो ईश्वर धंदा प्रजा प्रजा रूप ईश्वर चक्र भितर कहीं प्रवेश कर संसार भल पु झी कि ना शांति अच्छ तुम्हें कहीं जंजाल भितर प्रवेश कर भजन करेल कही कर्मचक्र पढ़ा आज्ञा कर्म अकर्म विकर्म जे सब रही है ना कर्माकर्म विकर्म ये बड़ गहन गति कथ बास्तव में सात्विक कर्म अच्छे राशिय कर्म अच्छे तामसिक कर्म अच्छे भगवद गीतारे पढ़ुचे आम निर्गुण कर्म भी अच्छे से कर्म को निष्काम कर्म कहगला जो कर्म कौन फल आशा न था जो भगवान को प्रसन्नतापाई करा जाए भगवान को प्रसन्नतापाई कौन आशा न रखी जीवन कर निष्काम कर्म होगा ये निष्काम कर्म केवल कृष्ण भक्त मैंने करती सद्गति होता है भगवान का कर्म करिया ना जगतरा कर्मभूमि जगतरा भोगा न दि प्रकार अच्छे आम तटस्थ शत्रु तैयारी हेले जगतरे कर्म भी रखागला एथेर कर्म अच्छे विकर्म अच्छी कर्म अच्छे विभिन्न प्रकार कर्म रखाई आमको बुद्धि बेक देमको आम समग्र शास्त्र को सी रखिले गोटे पटे दिन गोटे पटे राति आम विचार कर भगवान के गोटे गेम गोटे तैयारी करदे मझेरे छाड़देले गोटे पटे पा गोटे पटे स्थल जुआड़े जीवा पाने जा बुड़ी मरिया मरिया स्थल बाहर दौड़िया दौड़िया आम पर निर्भर दोष किसी ना से दीटा व्यवस्था करमभूमि तो ये निष्काम कर्म कर जो भगवान को भजन कर रोसे करे भगवान को अर्पण कर खाइब जड़े रोसे कर निजे घर खाइब दीटा कर कर्मटा गोटे गोटे प्रकार कर्म कि जो भगवान को अर्पण कर खाला से निष्काम होगा तार पापर भागीदार हलानी जड़े निजर इंद्र सुख रोसे कर खाला से कर्म भागीदार है भगवान को अर्पण नक भगवान सहित युक्त नहीं कि जी कर्म कर कर्म बंधन चक्कर पड़ू कि भगवान को निवेदित कर भगवान सहित युक्त ही जे कर्म कर कर्मर से उधार हो जाए मार्ग ये जी बुझे जाए जीवन प्रत्येक क्रिया शरीर मन बाणी द्वारा जहाँ भी कर भगवान सहित युक्त ही कर भगवान को संबंध ज्ञान ही कर भगवान को प्रीति कर मना ना संसार करने संसार कर्म करने कि कर्म फल तो दवा दरकार कर्मटा भगवान जदि जन भगवान भगवान पाई कर्म करी पारुनी ठीक अच्छे कर्म फल को नले दियो कर्म फल भी कहीं दौना धरत गोटे जन चाकरी कर स्वामी सीधा कथा कहते जी कर्म कृष्ण चेतनशील कर्म करुन कर्म फलटा तो अर्पण कर किसी तुमको मिलू किसी गोटे परमात्म सेवार लगाओ किसी से छुटकारा मिल जाव कि जो मैंने खाली निजे ही सब भोग कर पाप भक्षण कर सब श्रेष्ठ हला भगवान को पाखे शरणागति कृष्ण चिंतन करी कर्म करिया यही कर्म रे सफलता अच्छी सफलता अच्छी करूना कौन कर भगवान को चिंतन करी कर्म कले सेवा है गला सेवा तो कहगला ना भगव चिंतन जहाँ भगवान को प्रसन्नता पाई भगवान को चिंतन करी कर सेवा है गला भगवान को चिंतन हो गले से बंधन ना कर्म बड़ असुविधा आज क्या स्वकर्म फलभोग प्रमाण पूरा समस्त कर्म भोगाप बाध्य रास्ता किसी ना फिटबी आम जीवन जो सुख दुख मान अपमान जिते सब आस सब सब दैत द्वंद्व सब ये सब प्राक्तन कर्मर फल ये सब अवश्य गोटे भक्त को परीक्षा आसे अलग कथा भक्त मान साधु मान को कि सब रही जन जन गोटे रोग पर आउट रोग जन जन कि शरीरटा पूरा निरोग ऐसे पूर्वर ये सब जन जन पूरा ब्रेनी था पूरा टैलेंटेड पूरा
जनरली केते पढ़िले मतलब मन रहा भूली हो जने पूरा सुंदर था जने पूरा कदाकार था जने पूरा ऐश्वर्य चरम शिखर था जने पूरा निपट दरिद्र ये सब पूरा पूरा जन्म कर्म फल ये जो विभेद देखा कौन निज जिन किसी होने सेटिंगटा पूर्व किंतु ये सब विचार कर भजन करिया दरकार हरि भजन करिया दरकार कले ही आम ऊर्धव ऊपर ऊपर जी भगवान पाख कले से सब दुख दूर हो कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्मकृत है कृष्ण भक्ति जो कर सब कर्मकृत हो कौन है हसीदल सन्यासी कौन मन पाइला कथाटे ना कौन रोग कथा ना कौन जानी से तुम स्ट्राइक कर हुए सेटा रही किसी कटुची भजन कले दुख सिंधी नुहे भजन कले कटो ना केते केते जन्मर भगवान पाख जो मैंने जाती ना इस कटि जाए करोना रोग जो मैंने मले से हरि नाम चिंतन कर मरती है भगवान पाख जी मरिया समय हरिकृष्ण हरिकृष्ण कर मरती है सीधा भगत प्रत्येक भगत भक्त जन्म उच्चकूल जन्म परेश जो मैंने बापाल माल कर हाय हाय कर जगत को आसवे जी जिन कर्म करते फलभोग्य जी जो प्रकार कर्म कर मृत्यु सर से चिंतनटा हे हरिनाम चिंतनटा हेनी से करोनार मरू कि एक्सीडेट मरू कि जो थे मरू से मृत्यु समय चिंतनटा जो से अनुसार फल मिले ए जीवन सारा अभ्यास करा पड़े आम हरिनाम करा कथ हरे कृष्ण शोले कह पड़े अच्छा से कथर कौन करोना केोना बाहर नुआ करोना टीवी करोना किसी ना से करोना कर जगत को आसिक शिक्षा गोटे गोटे तेणु भज हरिभजन कले यु आस कटो नियम यहाँ कहीं जो मैंने भगवान पाख जल्दी जी टाइम आसीगला जन्म जन्म जिते सब प्रारद सुधा खंडन ही पड़े मान रियल यहाँ भगत भगवत अनुराग जो मानक प्रबल प्रबलता रोना से जगत तक भल लगे वितृष्ण आसो तर सब कटिज किसी बाकी रखियन कहीं किसी आस जगत आमको अवश्य सेटा बेस कष्ट हेनी बहुत भगवान को भजन कले कम कम आसो मना ना कि आसो जीवन भोगिया पड़ो ये तो काके फिटी ना मान प्रभुपद भाया महात्मा ज्वर होता भक्ति ठाकुर से विशक्सन तंत्र प्रयोग कर जड़े गुणियाड़ा प्रभुपद परिवार सारा ज्वर में पड़े रोग भल हेनी बहुत दिन पर तो कष्ट पाइले सब भक्ति ठाकुर फैमिली पूरा देख चिंता कर ये तो अतिमूर्ति महाभागत से मैंने कौन हो आम गुरु मार तो कई थर पायस अपरेसन होती के कौन हो आम तो भावे से अतिमती महाभारत कि तुम तो कर्मफल कहानी सेटा अति एम को कर्मफल कह अपराध होटा गोटे शिक्षा कौन शिक्षा सेवक मान को सेवार सुजोग देवाई गुरुवर्ग जदि किसी रोग से ग्रसित होती कर्मफल जब कह आम भाला दुर्भाग्य किए ना से कर्मफल नुह कर्मफल बाध्य जीव से नुहत किंतु तो बाहर को तो देखा रोगग्रस्त होता शिष्य मान को सेवार सुजोग देवाई एक द्वितीय पाखंडी अविश्वासी लोक मान को वंचना करने ठकिया किसी किसी शिष्य अच्छा जो मैंने महत्व बुझे गुरु आखिरे पर्दा पकई दिखती बुढ़ा हो गलानी प्रवंचना ठकती यह सब लीलास मान बुझे बड़ा कष्ट वैष्णव मान लीलास आम भाला तल स्तर साध जाओ कर्मफल भोग पड़ा कौन करी निष्ठा हो धीरे धीरे हम से भगवान को प्रार्थना करा दरकार प्रभु आउ जिते दुख अच्छे सब दे दिए जन्म आउ संसार भल लगुन आ ना रे बाप तेणु जिते दुख अच्छे ये जीवन ये जन्म ही देदेव कुंती प्रार्थना कला भाया बास अंत तुमको स्मरण होना दुख समय भगवान जमी स्मरण हम
अन्य सब देखो ना संजू माता जो काम थोड़ा रेडी कमी देखते ना देखी ना घोड़ू थोड़ा पूरा ठाकुर को चाहे चाहे कांदी कांदी पूरा पेटी जो थोड़ा रेडी बर्तमान कष्ट ना कि कौन कर आश्रा भगवान पाखे तेणुक दुख तो हम जीवन मना ना कि ठाकुर जी कृपा करती आज मैंने कहे कौन ठाकुर मत कौन दे खाली दुखर आग रखी एत डाकिले खाली दुख 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 कष्ट कष्ट भाया अबुझा कहीं ना कि कौन एटा कह कथा ना एत डाकुचे कौन आम को सुखर से रखिले सब बड़े कष्ट कष्ट आसला बड़े खाली कष्ट आर कष्ट से दिखते जो मान प्रति नजरटा अच्छी भगवान नजर रे हरिभजन कर सुखर अच ताल बुझे पड़े भजनटा ठीक है नहीं भजन ठीक ना सीटी कष्ट हवा दरकार निंदा सोया दरकार अपमान सोया दरकार लाछित हवा दरकार ताल बुझे भजनटा परफेक्ट है आ हरिभजन कल मान पूरा गाड़ी घोड़ा फ्लाइट मिलजे लोक खाली फुलमाल दूथे जय जयकार करते सीटा शेष स्थित आसे कि प्राथमिक स्थित ये सब सह पड़ो जिते गुरुवर्ग प्रथम स्थित बहुत कष्ट बहुत निंदित होती लाछित होती रोगग्रस्त सबकि शेषे भगवान उच्च स्थित रखे सम्मान पाई नियम ना भजन रजन करू करू सुख मिलज सेमती ना जब मिलूँ तेल बुझे पड़े भजन टा ठीक होनी मनरे किसी अन्य भावना अच्छे तेणु भगवान को कृपा कर मैंने प्रार्थना करा कथा कर जय जय सरकार बढ़िया कर ठीक रखी मत आम आज सुधीर सार जा दर्शन करने सुधीर सार हॉस्पिटल पड़ी कुंजवारी मन पकुं खुशी लगला शुणिक हॉस्पिटल बेडेड हो कुंजवारी मन पकुं माताजी से कहते कुंजभेरी कथा टी कहती शुणी जापनी सत कथा कि तुम्हें टी कह सी कहले तुम्हें जो ठाकुर पाख जाऊ तुमरी धर्मल बची रही स्त्री से स्वीकार कर तो जापनी मोर तो सही ना कि तुम्हें जो जाऊ ना ठाकुर पाख बोध से ही धर्म ही मुझे बची अच्छी मान भगवान कृपा रही बास्तव में कहीं नरल इंत हे कि भावना आसो कि आज मान कौन कौन मिलला से मंदिर ठाकुर बाबू बोले कष्ट आगा दे कहला हे कि कह जाए बुझल कृपा कौन कौन कौच कौन निश्चय 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 मान कलिजुग जीव तो सांगे सांगे निज पुण्य कथा निश्चय प्रभाव माड़ खाए ना भल भाग्य भल माड़ खाए ना भाग्य भल बची दे ठाकुर ठाकुर डाकिले अरे ठाकुर डाकिले से सही हो पड़ो सहन शक्ति हम कम ठाकुर हाँ भूल कल दंड पाइबन शुण ये कथा सी कहीं गाली कर स्वभाव आमर स्वभाव सहन शक्ति अच्छी ना पत्नी धर्म आम पालन करे कि ना सत्संग जाऊे साधु मान संग लाभ करे हरि सद्गुरु आश्रित होचे ठाकुर पाख जाऊे बास्तव आम पाखे भक्तर लक्षण प्रकाश हो परीक्षा हो कहीं गाली करिए ठाकुर पा जा कह परीक्षा एटा किमें गाड़ी शोया कथा रथ माते बाबू शिखुन के गाड़ी शोचे सी ताकू शिखा दरकार ना कौन
सब प्रकार रूल चलछि अभिन केते गाली कौन परीक्षा न कर सिंधिकल थाना पलि था टर्चर जी भजन कले आसो कले ही यू हेले ही आनंद अच्छे देव बल पूज्यपाद बल्लाचार्य कहते भगवान भक्त को कष्ट दिखती जितने से प्रकाश हाँप चाहिए प्रकट हाँप चाहिए भक्त को कष्ट हो कौन अभक्त कष्ट हो ना कौन कि कष्ट भितर आनंद अच्छे बाहर कष्ट कि भितर बहुत आरती आसो ना आरती गोटे रो गए कांद जन आरती भक्ति तो आम आखि लो बाहर अंत ये प्रकार दुखर आरती दी चार्टा लो बाहर एत आनंद मिले ना हाँ आ गाड़ी करिए कहीदे ठाकुर मत देखा देवे के कहीदे है कह हाँ कर मुझे कह तो क्या बुझल हे मुझे ठाकुर को जनईदे बोल कौच जदि बोल कि निमित्त उत्थान द्वारा जे इच्छा ही होक अपनाते वैषम ना थके विषम सृष्टि जोग ना भगवान पाखे वैषम ना वैषम मान से सब सामान भाव तर पात्र अंतर किसी ना भगवान को बढ़िया गुण स्वभाव पात्र अंतर विचार ना सम्मान भाव तक दृष्टि समस्ते सामान संतान समस्ते आ सब कर्मर विधान कर ले जी जी कर्मर फल पाइब देखते आम मनीषे सृष्टि श्रेष्ठ आम भितर परमात्मा अच्छा कुकुर भितर भी अच्छा विस्टार कीट भितर अच्छा धरत आम पर अन्य किसी जनि जनि पाई कर्मर विपाक अनुसार तथा से आम छाड़ी जनि भितर रही पात्र से भावे गोटे विस्टार कीटा भितर कहीं रही सेमती नुहे भगवान के यही हूँ वैषम्यता गुण समस्त सर्वत्र से रही समस्त प्रति सामान भाव आ सब अपेक्षा कर दिना दिन तो जीवात्मा ये जीव बद्ध जीवटा टी उन्मुखी हो मो प्रति मत तो भजन कर प्रति शरीर भितर से था रोचन से उद्देश्य अपेक्षा करना के ये आस मो पाख दिना दिन कि दुर्भाग्य जीव से डाक शुणी पारे हरिभजन कर कहले परमेश्वर निर्दोष पुरुषोत्तम तांकर दोष किसी ना निर्दोष तांकर बाणी रे दोष ना मल ना अमल पुराण भागवत कहला चरित्र से निर्दोष कौन सी दोष ना जगत रे सब आम इंद्रियगुड़ दोषयुक्त भगवान के सब किसी निर्मल चरित्र निर्मल स्वभाव निर्मल गुण निर्मल सब किसी निर्मल दोष ना ये जगत रे दोष अच्छे निर्दोष पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम से उत्तम पुरुष से तार कखनो आत्मीय परा अनात्म संभव नुहे से केवल जड़े आत्मीय जड़े अनात्म ए प्रकार भावना नुहे किए पर किए निजर नुहे सब तो परा अपना विचार नुहे ना शत्रु भी उद्धार कर था कि शत्रु मुक्ति देउछन से शत्रु उद्धार कर भावना था पुतना भाया पुतना सदृश गोटे रक्त पाइनी राक्षसी को सी मातृपद दे था धातृपद समस्त प्रति कृपा रही पतित पावन ना पूरा लॉकडाउन रे जगन्नाथ मंदिर सीना लोक संख्या पतित पावन तो दर्शन होता ना कृपा कर सी अंधार सम्मुखें रही लोक दर्शन कर पार्थले से आत्मीय पर अनात्मीय संभव नहीं पर आपना पर आपनार ये विचारटा प्रहलाद जी मत कहते पशु स्वभाव ये
विचारटा संकीर्णता विचार यहाँ कहगला किंतु जो समदर्शी भाव है भगवान को विचार संतान को विचार समदर्शी भाव समस्त प्रति समान भाव सामान भाव अर्थ समस्त भितर से गोटे तत्व दर्शन करिया आमर कौन दुष्ट बहिर्मुख दृष्टि ना बाहर टाक देखुचे बाहर रूपट को देखुचे आम आम साधन से प्रकार परिपक्व है कि साधन परिपक्वता लक्षण हो समस्त भितर से गोटे तत्व दर्शन करिए दृष्टांत आकाशर न्याय निर्लिप्त हेतु वैषम्य प्राप्त नुहे आकाश निर्लिप्त कौथे लिप्त नहीं आकाश सर्वत्र व्याप्त से किंतु लिप्त कौथे ना आकाश वैषम्य पात्र नुहतर से निर्लिप्त पूरा कौथे से आस यही स्थल आकाशर तुलना संभव नुहे वस्तुत आकाश ही आपणकर तुल्य आपनार तुल्य ये आकाश तो विश्वनाथ कह आकाश सहित आप तुलना कर बर आकाश आपण सदृश ये पूरा कहगला बुझापी कहला आकाश तुल्य आप वस्तु जगतर कौन सी वस्तु भगवान सहित भगवान को वस्तु तुलना कर ठीक नुहे बर भगवान पर वस्तु तुलना करमें कहे कमल लोचन तक चक्षु कमल सदृश कमल भ बर कह पड़े कमल कमलटा भगवान चक्षु भरी सुंदर ए प्रकार कि लोक आम तो से वस्तु को देखने ना ये आम बोधगम होगापी शास्त्र टीका शास्त्रकार मान गोटे शब्द प्रयोग करें जो वस्तु देखुचे जगत में से वस्तु तुलना करा भगवान को तेल आम गोटे विचार आस हाँ ठाकुर जी एमती कितु ताते गुण सुंदर सी जगत सुंदर पद्म पुष्प कमल खाली गोटे उपलक्ष उपमा दि जाए चंद्र बदन कहगला चंद्र भाया मुख किए आपको मुख पार के चंद्र फिका पड़जे ये सब वर्णना कर दात जा मुक्ता भाया ताट तो के सुंदर आहरी बुझापी आमको हृदबोध करने ये सब शब्द विन्यास रखाई जो शब्द सब आम देखुचे आम चक्षु समय से शब्द गुड़क शास्त्रकार मैंने उल्लिखित करते भगवान के स्वरूप वर्णना करवा समय किंतु ये वस्तुट बहुत ऊर्धर भगवान स्वरूप एत सुंदर से वर्णना कराई ना बुझीपर आम जड़ बुद्धि तो जड़ वस्तु को उपमा दिगला ताले अनुभव गोटे आस्वादन हो शून्य आकाशर तुल्य उपमा धारण कर आकाश जी शून्य कौथे लिप्त ना आकाशटा शून्य ना से प्रकार भगवान भी सेमती कौथे लिप्त नुंति न मा कर्माणी लिपंती न मे कर्म फले स्पृहा जो कहले कर्म जगत आसती कर्म स्पृहा ना कर्म लिप्त ना जगत तैयारी कर जगत सहित कौन सी तांकर आसक्ति नुहति से कहते जेपरी अग्नि होते क्षुद्र विस्फुलिंग समूह ऊर्ध दिखे छड़ाइया पड़े से रूप परमात्मा होते प्राणी सकल लोक समूह देवगण भूत समूह सकले परमात्मा होते विविध उत्पत्ति हमें उदाहरण देने अग्नि और स्फुलिंग निहाटा जलुच्च तार स्फुलिंग मान सब कणिका सब से जिन विचुति पड़ू ना सब जलुच्च सब छोटिया छोटिया झूल जाऊ कहगला से प्रकार परमात्मा पाखर ये जिते सब सचराचर स्थावर जंग सृष्टि सब भूत प्राणी सब मैं से कत बड़ विराट पुरुष देख ये शास्त्र कथा शुणुचे ना जो कहीं कहुच विचार करने श्लोक कंठे करी धरी करह विचार सकाल पढ़ते ना
महाप्रभु कहते कंठ कर विचार माने आपको सब मनन कर भागवत कथा को मनन भगवान विषय शुणिले तो विचार करवा दरकार मैं सी की प्रकार तत्व सी केमती सी निर्लिप्त निर्विकार हो रही समस्त भीतर रही सर्वत्र रही स्वरूप अच्छे अपरिमित ध्रुवास्तनुभूत यदि सर्वगता तैन शस्यतीति नियम ध्रुवने तरता अजनी च यन्मयं तदविमोचनीयस्तु भवे सममन जानतां यदमतं मतदुष्टतया। हे ध्रुव हे नित्य स्वरूप ध्रुव अर्थ नित्य स्वरूप नित्य अपरिमिता अनंत अपन अनंत अनुभूत जीवा यदि ध्रुवा तद्रूपेण नित्या एव न तु त्वजन्यः सर्वगतः व्यापकः एव स्यु। यदि जीव माने भी अपन सदृश नित्य किंतु व्यापक नुहंति न तु त्वजन्यः तत् अन्यः तै तदा शास्यति न तेषां तत्साम्यत् अवधीनता न भवेत् इतरथा न तत् अन्यत्ते सति तत्सस्यति भाव न स्यात् किंतु तत्सस्यति वा घटेते इति अर्थ कथम कल्कि परि वेदांत आधार पड़गले जहाँ तो थिला भक्ति पर को कहते कहले हे नित्य स्वरूप अनंत अनंत जीवगण जदि स्वरूप तो आपणक होते जात न हो नित्य एवं सर्वगत हुए ताहले सेमाने आपण द्वारा शासित एवं नियंत्रित होई परिवेनी अन्यथा आपण को ठारु जात हेले शासनम नियमन संभव होई पारे चित माने कोछन यदि जीव माने मध्ये नित्य हितांते माने आपण ठारु सृष्टि ही न थांते यदि समस्त जीव माने यदि स्वरूप तो आपण जात हो न था नित्य व सर्वगत हित आपण सदृश नित्य होता से आपणकर द्वारा शासित अर्थात नियंत्रित हो पारे यदि आपण सृष्टि न होता तेल से आप शासन कर पार ना आपण द्वारा नियंत्रित हो न था अन्यथा आपण जात हेले शासन एवं नियमन संभव होते पारे जीव मान जब आपण जात हे तो आपण द्वारा नियंत्रित हे शासित हे ये सत्य आम नियम बंधा आम सब द्वारा शासित आम स्वतंत्र ना जीव जीवगण बन्ही रूप आपना हेते विस्फुलिंग रूपे जात बोली आपनी ताहर अपरित्यज्य कारण जो मैंने होंगे बन्ही रूप आपण विस्फुलिंग रूप जात होती अग्निरु स्फुलिंग बाहर अग्निरु तार स्फुलिंग जो बाहर किंतु अग्नि सहित से परित्यज्य नुहे अग्नि ही से अंश से प्रकार आपण भी जीव आपण सृष्टि आपण अपरित्यज्य मान त्यज्य नुहे परित्यज्य नुहति आप नियंता सर्वत्र अंतर्जय रूपे संभाव्य अवस्थित ये जीव जे तार प्राक्तन कर्म जो जो जनि प्राप्त हेल्ले आपण द्वारा से त्यक्त नुहे बर आप भितर रुहत आप सर्वत्र रही आपण ही तार नियामक आपण ही अंतर्जय रूप से समभाव अच्छा समस्त हृदय भितर अग्निस्फुलिंग संबंध से प्रकार आपण संबंध जीव से कहला कृष्ण चित्कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर कृष्ण जदि चिन्मय भास्कर सूर्य तांकर चित कणिका हूँ जीव गोटे कणिका सूर्य गोटे किरण अग्निर गोटे स्फुलिंग
ତେଣୁ ମତଦୃଷ୍ଟତ୍ୟ ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ବୋଲି ଅଭିମାନ କରେ ତାହାର ବସ୍ତୁତଃ ଅଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନୀ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଢ଼ିଦେଲୁ। ସେଦିନ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଢ଼ିଦେଉଛୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବେ। ବରଂ ନ ଜାଣିଥିବ କିଛି ଅନୈତିକ କର୍ମ କଲ ସେତେ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆଉ ଜାଣିକି ଯଦି ଅନୈତିକ କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ତ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅବୈଧିକ ଅନୈତିକ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଭାଗି ହେବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କହିଦେବ। ସେ ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କୁ ଜାଣିବାଟା ଏଇ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେବନି। ଏ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜାତୀୟ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରବାଦୀଗଣଙ୍କର ନାନା ବିଧିମତ, ବିଚାରବାଦୀମାନଙ୍କର ନାନା ବିଧାନ ବିଧିମତ କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଏକ ହୁଏ ଏଇ ମତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏକଜନର ମୁକ୍ତିତେ ସକଳର ମୁକ୍ତି ହେବା ପଡ଼େ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଅବିଦ୍ୟାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଏକ, ଏଇ ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବ ଏକ, ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସବୁ ଜୀବ ଏକ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ନାନାବିଧ ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାହୁଏ ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶର ସଂସାର ନା ଚଲିଆ ଗଲେ କାହାର ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ନା। ତାହେଲେ ବହୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରିତେ ହୁଏ, ଏହି ଆତ୍ମା ସମୟର ଅଣୁପରିମାଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଦେହ ମାତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅନିତତ୍ୱ ହୁଏ ନା। ଅଥବା ତୁମାହିତ ସର୍ବଗତ ନିତ୍ୟ ଜୀବ ସମୂହ ଜନ୍ମରହିତ ଓ ଏହି ସକଳ ଦୋଷ ପଡ଼େ ନା। ଅବିଦ୍ୟା ଭେଦ ଦ୍ୱାରା ବା ସେଇ ଶକ୍ତି ଭେଦର ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହେତୁ ଏହି ମତ ଅନ୍ୟ ସହେ କରେ ନା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମତ ଏକ ଭାବ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଜୀବ ଏକ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଏଇ ମତକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଯଦି କହିବ ନା ନାନାବିଧ ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ, ଗୋଟିଏ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ସଂସାର ନ ଚଳିବା, ସଂସାର ଯଦି ଚଳିବନି କାହାର ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ ନା। ସଂସାର ନା ଚଳିଆ ଗଲେ, ସଂସାର ଯଦି ଯିବନି, ସଂସାର ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ତାହେଲେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେବନି। ତାହେଲେ ଯଦି କହୁଛ ଆତ୍ମା ଯଦି କୁହାଯିବ, ବହୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର ଯଦି କରିବା ବା ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଯଦି ଖଣ୍ଡନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଅନେକ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବହୁ ଆତ୍ମା ଅଛେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମସମୟର ଅଣୁପରିମାଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହବ୍ୟାପୀ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଆତ୍ମାର ସବୁ ଅଣୁପରିମାଣ ଅଛି ଏକ ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଦେହ ମାତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅନିତ୍ୟତ୍ୱ ହୁଏ ନା। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ଯଦି ଭାବିବା, ଅବିଦ୍ୟା ସବୁ ଏକ, ଅବିଦ୍ୟାର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି, ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସବୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୋଟେ ତାହେଲେ ସଂସାର ଯଦି ନଷ୍ଟ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯିବନି ତାକୁ। ଯଦି କହିବା ନା ନାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ
ତାହେଲେ ଆତ୍ମସମୟର ଅଣୁପରିମାଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାର ବି ଅଣୁପରିମାଣ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ବିଚାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ହେବନି। ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଣୁପୂରଣ ଭାବିବା, ଆତ୍ମା ଅଛି ମାନେ ଦେହଟା ପୁରା ଚେତନ ନା, ଶରୀରଟା ପୁରା ଚେତନଶୀଳ ହେଇଛି। ଆତ୍ମାର ଯଦି ଅଣୁପରିମାଣ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେହର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କେମିତି ଆସିଲା। ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତମଠାରୁ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଜୀବସମ ଜନ୍ମରହିତ, ତମା ହେତେ ସର୍ବଗତ ନିତ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରହିତ, ଏହି ସକଳ ଦୋଷ ପଡ଼େ ନା। ଅବିଦ୍ୟା ଭେଦ ଦ୍ୱାରା ବା ସେହି ଶକ୍ତି ଭେଦ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହେତୁ ଏହି ମତ ଅନ୍ୱେଷ କରେ ନା। ଅବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭେଦତା ରହିଛି, ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ବଦ୍ଧମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମତ ବି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କହିବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଜୀବଗଣ ଯଦି ନିତ୍ୟ ହୁଅ, ଯଦି ଦେଖାଗଲା ଏସବୁ ମତ ଯଦି ଖଣ୍ଡନ କଲା, ଜୀବମାନେ ନିତ୍ୟ, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିତ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାହାର ଆପଣା ହେତେ ଜାତ ସର୍ବଗତ ହୁଏ। ଯଦି ସବୁ ଜୀବକୁ ନିତ୍ୟ ବି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ପରମ ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନା ଚେତନ ସଚେତନ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ପରମ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଦେହଧାରେ ଜୀବମାନେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହେଇତେ ଜାତ, ଏଇଟା ସର୍ବଗତ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ଏହା ହୁଏ ନା। ଯଦି ଆପଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନତା ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ସମାନ ହେବେନି। ଜୀବଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନର ଅଧୀନ ହିଁ, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ଏହା ହୁଏ ନା। ଜୀବଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନରେ ଅଧୀନ, ଏଇଟା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉନି। ହେ ଧ୍ରୁବ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜୀବଗଣର ଆପଣା ହେତୁ ଜନ୍ମ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ୱ ହେତୁ ଅସର୍ବଗତ ହେଲେ ଆପଣାର ଶାସନାଧୀନ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଜୀବକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ସେମାନେ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କି ରୂପେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେ ଉପାଦାନରେ ଘଟିତ ଜୀବ ନାମକ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଜୀବଗଣର ତିନି ଶାସ୍ତା ହୁଏ, ତାକୁ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଘଟିତ ଜୀବ ନାମକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ତାକୁ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇଏ। ତେଣୁ ସେହି ଶାସ୍ତା ଜୀବଗଣଙ୍କର ତିନି ଶାସ୍ତା ମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନା କରିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବାକି ପ୍ରକାର, ସେଥିରେ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କି ଜୀବଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଚେତନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସମ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ, ଯାହା ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ସମ ଅର୍ଥ ତୁଲ୍ୟ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୋଲ ତାହା କି ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯତ୍ ତତ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ସେଇ ତାହାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅସତ ଅମତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମରା ଜାନି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ତାହା ଦେହରେ ମୋତେ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରାୟ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ। ଏଇ ମତ ଯେ ଦୃଷ୍ଟ ମତ ବୋଲି ଦୋଷ ଶୁଣାଯାଏ ନା, ଏସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୁତିଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମତ ତାହାର ମତ, ତାହାର ମତ ମତ ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଣେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣେ ବୋଲେ ତାହା ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀଗଣଙ୍କ ମତ। ଏଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାତ, ସେ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଗଲେ, ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ। ମୌନ ଭାବି ବୋଲେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌନ ଥାକିବେନ୍।
ये ब्रह्मस्वरूप जहाँ तुम्हें जान ता वेद ही अच्छे वेद्रे कहुई सकल श्रुतिवाक्य यार्थ ये ब्रह्मर जो रूप ताद उत्तम रूप से जानव यही मन कर तुम्हें अल्प ही जान जदि किए कह मु ब्रह्म को उत्तम रूप से जाणी ताल शास्त्र को श्रुति मान कौन से तुम्हें अल्प जाच जदि ब्रह्मर देवता समूह अधिदेवता ए रूप तुम्हें मन कर तुम्हें अल्प ही जान यह पूर्वे कहुई कहला प्रकृति में ब्रह्म वस्तु किए जापारे जिंदी कहला भगवान को बिना कृपारे शरणागत नहले जानी हेनी से ही परमात्मा रूप रही से ही सर्वव्यापक ब्रह्म रूप से सर्वदं खलिदं ब्रह्म कहला सर्वद्र व्याप्त होती स्वभाव हूँ सम स्वभाव परमात्मा रूप रही अलग ही जीव के सृष्टि हुए जी अलग जीव जो नित्य सुष्ट होता से शासित ही नथंता बा अधीनस्थ ही नथंता किंतु जीवर स्वभाव होची से जनक द्वारा नियंत्रित शासित तेणु से नियामक से शासनकर्ता होती ब्रह्म बोल कहले मान भगवान ही शक्ति प्रचार समस्ते से वस्तु पाखे स्वरूप कमी आकाश सदृश आकाश सर्वत्र छाई रही कि आकाश को सहित कार सहित लिप्त नुहे बर आकाश तले समस्त अच्छा से प्रकार जगत रे सर्वव्यापक रूप से ब्रह्म रही किंतु का सहित लिप्त ना संबंध ना का प्रति आसक्त जड़ित ना ये सब ज्ञानी मान कथ सब ये श्रुति मान के श्रुति कर श्रुति मान श्रुति वाच मान तो भेद वाच गीता कर दो कल की गीता जयंती गीता जयंती ना लेखी ना किए देखो देखिए कल ना गीता जयंती दसटा बेलू आस गीता पाठ करिया मोटा गीतार धरिक आस छोट गीतार चलो दसटा रु बारटा गीता पाठ हाव बड़ गीता अच्छी ना आरती टी कर था अजी रोबान गीत कल है गीतांकर जन्मस्थान तिथि गले प्रकट होते व्यासदेव लिखि बाबा भगवान कही दिन गीता जयंती आस गीता पाठ करिया हला गीता पाठ करिया समस्त बसिया समय जदि हल हरि कथा करिया दी घंटा लगे दी घंटा लगे ना दी घंटा देढ़ घंटा लगे अठर अध पढ़ा पड़ो हाँ सब थोड़े करा चंदन सर गीता पढ़ाई जन्माष्टमी करा जाए जन्माष्टमी करा जाए गीता जयंती चल कहले भगवान जो गीता कही प्रसन्न हे ठाकुर तापर जिते सब जुहार सब कार निंदा करचे कार समालोचना करचे अश्राव्य कथा कहचे यही जुहार जब देढ़ घंटा दि घंटा अढ़े घंटा काल जब गीता भगवान बाणीटा को जो उच्चारण करा जीवटा शोधन हो चिन्मत लाभ हम जुहार दोष रही ना चक्षुर दोष रही विघ्न को दर्शन करा दरकार कर्णरे दोष रही हरिकथा श्रवण करा दरकार ये सब कले यार दोषता कटि जाए निर्मल तो लाभ हम हाउ समय आस के सुंदर दि तीन दिन भक्ति कथा चलता गोटे का जीव आत्मा परमात्मा कथा सब महामंत्र करद महामंत्र करद हे गुरुदेव गाय दो।
हरि हे धर्म निष्ठा नाई मोर आत्मबोध बा सुंदर भक्ति नाही तोमार चरणे भक्ति नाही तोमार चरणे अतएव किंचन गतिहीन दुष्ट जन अतएव किंचन गतिहीन दुष्ट जन रत सदा आपन वंचने प्रभु भक्ति नाही तोमार चरण पतित पावन तुमि पतित अधम आमि जय हो पतित पावन तुमि पतित अधम आमि मोर एकमात्र गति तब पाद मूले पैनु तोमार शरण लैनु तब पाद मूले पैनु तुमार शरण लैनु आमी दास तुमि मोर पति नद कांदे हृदय धैर्य नहीं बांधे भूमि पड़ी बोले अत पर अहेतुकी कृपा करी एई दुष्ट जने हरी
ओहे तुकी कृपा करी ए दुष्ट जने हरी देह पद छाया निरंतर प्रभु देह पद छाया निरंतर धर्म निष्ठा नाही मोर आत्मबोध सुंदर भक्ति नाही तुमार न धर्म निष्ठस्मि न चात्मवेदि न भक्तिमांत चरणारविंदे अकिंचन अनन्य गति शरण्यं तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये जमुनाचार्यं करो स्तोत्र श्लोक आरी उपर गीतिमाला भक्ति लिखिंट हरि हे धर्मनिष्ठ नाई मोर ना धर्मनिष्ठस्मि आत्मबोध वा सुंदर भक्ति नाई तुम्हार चरणे हे हरि धर्म प्रति मोर विशेष श्रद्धा आस्था नाई धर्म प्रति मोर श्रद्धा नाई कि आस्था नाई आत्मबोध बा सुंदर ना मोर निज स्वरूप विषय कौन सी अनुभूति अच्छी भक्ति नाई तुमार चरण रे तुम चरण रे भक्ति भी नाई तार्थ आत्मा विषय मोर कौन सी स्वरूप विषय कौन सी अनुभूति नाई कौन सी धर्म रे मोर निष्ठा नाई श्रद्धा नाई विशेष अब भक्ति भी तुम चरण मोर भक्ति भी नहीं महाराज अतएव अकिंचन गतिहीन दुष्टजन रत सदा आपन वंचने एणु अकिंचन दीनहीन हो निज को निजे उपाय शून्य देखी मु दुष्ट आत्मप्रवंचन व्यस्त रही रत सदा आपन वंचने आत्मा को प्रवंचना करने सब रत व्यस्त रही मो दुष्ट कहीं मोर उपाय किसी ना गतिन दुष्ट जन मोर गति किसी ना उपाय किसी ना निज को निजे उपाय शून्य देखी पतित पावन तुम्हें पतित अधम आम तुम्हें मोर एकमात्र गति हे प्रभु तुम्हें तो पतित पावन अट ना ए मु अधम पतित अटे तुम्हें ही मोर एकमात्र गति उपाय अट तब पाद मूल्य पैनु तुमार शरण लैनु आमी दास तुम्हें मोर पति तुम चरण कमल शरण नौ प्रभु एवं तुम चरण कमल को जोर जाबुड़ी धरुची आमी दास मु तुम दास अटे केवल तुम्हें ही मोर एकमात्र पति अट कितने सुंदर लगे आपण पतित पावन आहुरी तो गोटे श्लोक कही पतित पावन नाम उड़ौच अरे तुमको से पतित पावन कहुए जदि मो सदृश मो भि पतित को उद्धार कर कहते हे प्रभु सारा दुनिया कुआडे जीवा खोजिया दरकार ना मुझे हाजिर ही महाराज मो प्रथम मो मु पतित को उद्धार करूँ तो तापर तुम पतित पावन नाम नामा सार्थक हो ना तुम ना कलंक लगे महाराज निजी पतित बोली कहते हैं ये धन्यता पतित पावन नाटा खाली उड़ेल हो कह तुम्हें मोर एकमात्र गति हे तुम तो पतित पावन मु तो पतित अधम मोर गति हूँ तुम प्रभु ये तुम चरण कमल मुझे शरण नौ तुम चरण कमल को पाद मूल पैनु तुमार शरण लैनु पूरा जोर जाबुड़ी धर तुम दास अटे आमी दास तुम मोर पति तुम्हें ही मोर एकमात्र पति अट भक्ति ठाकुर कहते भक्ति विनोद कांदे हृदय धर्ज नाई बांधे भूमि पड़ी बोले अतपर अहेतुक कृपा करी ए दुष्ट जने हरि देह पद छाय निरंतर भक्ति ठाकुर कांदी कांदी कहते हे मोर मोर हृदय धैर्य नाई प्रभु
मु भूमि रे लोटी पड़ी तुम अहैतिक कृपार प्रार्थना करुचे जे ए दुष्टजन को सर्वदा निज पदछाय प्रदान करंतु। तत्पाद मूलं शरणं प्रपद्ये, तुम चरण रे भुलुंटित होइ मु निपतित होइ यही प्रार्थना करुचि, अहैतिक कृपार प्रार्थना करुचि। अहैतिक कृपा कर महाराज, तुम चरण छाय मत प्रदान करंतु। ये प्रकार तंकर भक्ति पर्व ये हमारा अच्छा जीवन के सुंदर जीवन अच्छा जी कौन लगे तत्रत्न भाई आम पाठ करत्न सु श्रीराधे जमुनाचार्य यमुनाचार्य महाराज तत्रत्न तांगर आम पढ़ुचे ना तत्रत्न आमर अच्छे ना तत्मालार अच्छे ना 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 कुलशेखर अच्छे बही गुट तत्रत्न बहुत आन लग श्रीराधे मंदिर बंद है कौन गया कल के आस गीता पाठ करिए श्रीराधे गीता प्रेसर गीता अच्छे ना बड़ मोटा गीता से लास्ट गीता आरती लिखते गीतटा राम सुदास छपे छोटे आरती लिखाई लास्ट बढ़िया तो कर आरती भगवान गीता की गुण भगवत गीता की अच्छी अच्छी थी थी मुझे देख ला लगुच आमर हिंदी बोलती श्री राधे आज तुम कुआ गल सब घरे छुट्टी छुट्टी गले बढ़िया एकादशी पासी दिन ठाकुर एकादशी दिन ही ना चार दिन छुट्टी मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तकिता हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, you are the greatest musician of the world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण गिव मी सर्विस हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग 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 नित्यानंद 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 गौर गौर गौरांग गौर गौर गौरांग 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 गौरांग
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ ও নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ कृपानु सजन भक्त आचार्य वर्ज गुरु परंपरा गुरु वर्ज अस्म सदित गुरु हता हूँ समेत भक्त जय हरिनाम संकीर्तन की जय और जय श्री राधा रानी वर्षा वर्षा जय श्री राधा।